भदौरिया और मैं जुड़ी हूँ आज मोदी कैप परिवार के साथ। लेके आई हूँ आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स। लेकिन शुरू करने से पहले क्यों ना मैं अपने आप को रिजुविनेट कर लूँ, थोड़ा सा तरोताजा। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक कप तरोताजगी के साथ, जो मुझे मिलती है ग्रीन टी से। वैसे ग्रीन टी के कितने फायदे हैं मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। इसमें है ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और हाँ, मुझे हेल्प करता है वेट लॉस में भी। दैट इज वाई दिस इज माई कप ऑफ गुडनेस। और ये गुडनेस लेके आया है मोरी केयर फ्रूट ऑफ द अर्थ ग्रीन टी के साथ। ग्रीन टी के साथ ही साथ में मोदी केयर हैज ऑल्सो गॉट फॉर यू रेगुलर टी। जी हाँ, जो रोजमर्रा की चाय जो आप दूध चीनी पानी के साथ अपने तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो हो गई तरोताजा और अब बनाएंगे हम आज का पहला अपना रेसिपी और वो है पास्ता इन रेड सॉस। मोदी लेके आया है हमारे लिए स्पेशली यूरोप से ड्यूरम वीट, वो भी हार्ड ड्यूरम वीट का बना हुआ सोल फ्लेवर्स पास्ता। दिस इज पेने रिगादे पास्ता। और इस पास्ता की खासियत ये है कि ये बना है यूरोपियन हार्ड ड्यूरम वीट और सेमलीना यानी कि सूजी से, तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया है। टेस्ट वाइज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एवर ट्राइड। हाँ, क्योंकि ये एक हार्ड वीट पास्ता है, इसे कुक करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। पास्ता बनाने के लिए चाहिए मुझे ढेर सारा उबलता हुआ पानी। तो हर 100 ग्राम पास्ता के लिए मैं लूंगी 1 लीटर पानी। एंड वंस द वाटर कम्स टू अ बॉयल, हम डालेंगे उसमें नमक। एक चम्मच भर के मैं नमक डाल रही हूं। और अब इसमें अपना सोल फ्लेवर पास्ता। मेरे पास्ता को कुक होने में लगेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट। तो चलिए, तब तक हम अपनी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। पास्ता सॉस बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मोदी केयर का राइस ब्रांड ऑयल, दी एक्टिव लाइफ। आपकी लाइफ में एक्टिव रखने के लिए राइस ब्रांड ऑयल, जिसकी गुडनेस वंस अगेन आज सब डॉक्टर्स इसकी बात कर रहे हैं, हर जगह आप पढ़ रहे हैं कि राइस ब्रांड ऑयल हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो क्यों ना इस सेहत का तड़का लगाया जाए अपनी फेवरेट डिश में भी। तो 2 टेबलस्पून ऑयल हम लेते हैं और इस 2 टेबलस्पून ऑयल में मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। So that's about 1/4 cup of finely chopped onion. और इस अनियन को हम सौते कर लेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। क्या आप जानते हैं कि ये राइस ब्रैन ऑयल की खूबियां क्या क्या है? मैं बताती हूँ आपको। दिस हेल्प्स यू टू कन्वर्ट योर बैड कोलेस्ट्रॉल इनटू गुड कोलेस्ट्रॉल। और वो काम करता है इसमें प्रेजेंट हेल्दी ओरिजिनॉल। इसी के साथ साथ ये खाने में कम अब्जॉर्ब होता है, यानी कि कम खपत होगी तेल की और आप कम तेल भी कंज्यूम करेंगे। ऑल्सो इट हैज अ लॉट ऑफ कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज। जी हाँ, कैंसर से लड़ने में भी बहुत हेल्प करता है। हार्ट के लिए अच्छा है, कैंसर से लड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। और क्या चाहिए हमें अपने तेल से? एक छोटा सा टिप, जब आप प्याज कुक कर रहे हो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। एड अ लिटिल सॉल्ट व्हाइल यू कुकिंग योर अनियंस एंड दे विल कुक फास्टर। तो हम भी थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और जब ये अनियन
एक गोल्डन कलर लेने लगेगा। आई एम गोइंग टू एड टू दिस आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, यानी कि हाफ अ टीस्पून ऑफ फाइनली चॉप गार्लिक। गार्लिक की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू। और अब मेरे पास है यहां पर टमाटर, तकरीबन आधा किलो टमाटर है जिसे पहले मैंने ब्लांच करके पील कर लिया है और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये आधा किलो टमाटर हम इसमें डालते हैं और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च एंड थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ा सा ड्राई बेजिल। ये सब चीज़ें आजकल आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं और अगर आपको फ्रेश बेजिल मिले तो थोड़ी सी फ्रेश बेजिल की पत्तियां जो हैं वो हम हाथ से ही तोड़ के इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे और हाथ से तोड़ के डालेंगे। इसी के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें चीनी, तकरीबन एक छोटा चम्मच। और अब इस सॉस को हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे जब तक ये सारे के सारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं और मशी नहीं हो जाते हैं। इसी के साथ बेजल का, ओरिगैनो का, पेपर का, सबका एक बहुत खूबसूरत सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी सॉस में। मेरा पास्ता बॉईल हो चुका है, इसे चलिए अब हम ड्रेन कर लेते हैं। पास्ता ड्रेन करने के बाद इसे ठंडे पानी से बहुत अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका सारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मेरा पास्ता रेडी है और ये टमेटोज जो हैं ये भी अच्छे से गल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब इन टमेटोज को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसे मिक्सी में हम ब्लिट्स करेंगे, एक कोर्स प्योरे बनाएंगे। बहुत फाइन हमको इसकी प्योरी नहीं बनानी है, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे हम इसको ताकि एक चंकी सा आपके मुंह में फ्लेवर आए। तो बस इसे हल्का सा हम करते हैं ठंडा और पीस लेते हैं। टमाटर ठंडे हो गए हैं और अब एक ब्लेंडर से इनको मैं हल्का सा ब्लेंड कर लेती हूँ। टमेटो का पेस्ट हमने बना लिया है और बहुत फाइन हमने इसको नहीं किया है, थोड़ा सा हमने इसको दरदरा यानी कि चंकी रखा है। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इस पेस्ट को वापस से एक बार अपने पैन में डालूंगी। और इसके साथ इसमें मैं डालूंगी एक कप टमेटो प्योरे कुछ बेजल लीव्स एक बार फिर से एक बहुत ही फ्रेश फ्लेवर के लिए। एक बार फिर हाथ से इसे तोड़ के ताकि इसके जूसेस बाहर निकले और इसका फ्लेवर और अच्छा आए। अलोंग विद दिस आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा हीट ऐड करने के लिए। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, जितना तीखा आपको पसंद हो उतना। फिर थोड़ा सा ओरिगैनो एक बार फिर से और अब इसे हम फिर एक बार पका लेंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाए।
जब इसमें बॉयल आ जाए आप इसे एक बार चख लीजिए और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक, चीनी, काली मिर्च एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको एडजस्ट करना हो। लगता है थोड़ा सा नमक एंड दिस इज गुड टू गो। आप इस पास्ता सॉस को चाहें तो एक एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेट करके एक हफ्ते तक के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब आपका मन करे बस अपना मोदी केयर का 100% वेजिटेरियन एंड हाई प्रोटीन कंटेंट वाला पास्ता आप फिर से एक बार उठाएं, इसे बॉईल करें एंड वंस अगेन यू विल हैव अ ब्यूटीफुल पास्ता डिश रेडी फॉर यू। तो बस पास्ता सॉस भी रेडी है और अब इसमें मैंने ये जो पास्ता यहाँ बॉईल करके रखा हुआ है ये ऐड कर दूंगी एज पर माई टेस्ट। अगर आपको सॉस ज़्यादा चाहिए तो सॉस ज़्यादा रखिए, पास्ता ज़्यादा चाहिए तो पास्ता ज़्यादा रखिए, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसे बनाइए। सो लेट मी ऐड सम पास्ता टू दिस। आपको जब पास्ता सर्व करना हो ठीक उससे पहले ही पास्ता को आप अपने सॉस में मिलाइएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ता रखे रखे सॉस को अब्सॉर्ब करता जाएगा और धीरे धीरे ये सॉगी हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। टू प्रिवेंट दैट जस्ट ऐड द पास्ता बिफोर सर्विंग। ऐसे अच्छा सा एक हम टॉस देते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं। पास्ता इन अराबियाता सॉस रेडी हो गया है। अराबियाता सॉस होती है थोड़ी सी तीखी जिसके लिए हमने डाला है इसमें रेड चिली फ्लेक्स। एंड नाउ टाइम टू सर्व दिस। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस पास्ता प्लेट ओवर हियर और इसमें मैं निकाल लेती हूँ अपना पास्ता। तो जैसे मैंने कहा नमक, मिर्च, चीनी सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट करें। हाँ, अगर आप इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी बनाना चाहें आप इसमें थोड़ा सा क्रीम अपने बच्चों के लिए ज़रूर ऐड कर सकते हैं। मोदी केयर के सोल फ्लेवर पास्ता की सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये हार्ड ड्यूरम वीट से बना है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट या सॉगी नहीं होता है। अपनी शेप को, अपने फ्लेवर को, अपने टेक्सचर को ज़्यादा देर तक ज़्यादा अच्छे से रिटेन करता है। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट? बस थोड़ी सी गार्निश, पास्ता में अगर थोड़ा सा चीज़ मिले तो क्या बात है। तो मेरे पास तो है यहाँ पर ये पार्मेजान चीज़, वैसे ये ग्रेटेड भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, तो आप कोई भी चीज़ ग्रेट कर सकते हैं अपने पास्ता के ऊपर। पास्ता आफ्टर ऑल इटालियन डिश है तो मैंने सोचा एक इटालियन चीज़ का ही इस्तेमाल इस पर करना चाहिए एंड दैट इज़ वाई पार्मेजान चीज़। थोड़ा मेरे पास बारीक कटा हुआ पार्सले भी है टू ऐड अ लिटिल कलर टू दिस एंड अ लिटिल फ्लेवर एज वेल। और इसके साथ साथ थोड़ी सी बेजल की लीव्स, फ्रेश बेजल फॉर अ ब्यूटिफुल फ्रेश फ्लेवर, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। That's about it. Fresh flavors, fresh herbs, ताजी बनी हुई सॉस और सबसे बढ़िया बात सोल फ्लेवर का पास्ता। That's about it. आप enjoy कीजिए पास्ता अराबियाता एंड आई विल कम अप विथ सम मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज फॉर यू टू ट्राई आउट।